आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर को क्लिक करना है। सुषमा जंप्स वेरी हाई। सुषमा ने जंप किया, सुषमा बहुत तेजी से कूदी, ऊंची कूदी। तो यहाँ पर कूदने की कौन सी पिक्चर है? सेकंड पिक्चर। तो सेकंड पे टिक कर देना है। सेकंड है टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट वर्ब को लिखना है आपको। कविता ब्लैंक वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। जो कविता है वो हंसी बहुत तेजी से जब मैंने उसे टिकल किया। तो यहाँ पर हो जाएगा कविता लाफ वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स ली। ली का यूज करते हुए यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा करेक्ट? तो यहाँ हो जाएगा स्लोली। ठीक है, स्लो का हो जाएगा स्लोली। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स इम। इम के साथ में क्या लगेंगे हम? तो ज़्यादातर इम इर जो होता है वो सेम साउंडिंग वर्ड, सेम जो लेटर है लास्ट में जो फिनिश होता है उसी से स्टार्ट होते हुए जो वर्ड है उसके संग में आता है। तो यहाँ पर देखिए इम के साथ में आ जाएगा मैच्योर, इम मैच्योर। ठीक है, फिफ्थ है योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे। वॉट विल यू टेल हिम और हर? आपका कोई फ्रेंड है, आपकी या कोई फ्रेंड है तो वो डेली लेट आने की उसकी आदत पड़ गई स्कूल में, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो आप उसे कहेंगे बी पंक्चुअल, पंक्चुअल बनो, टाइम के पाबंद बनो। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे पढ़ना है और आंसर जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके हमें आंसर करने हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ रीड करेंगे। अशोक वॉज बाथिंग हिज पपी इन द पॉन्ड आउटसाइड हिज हट। द पपी वॉज वेरी मिसचीवस। He held the puppy gently and applied the soap. जो अशोक है वो नहा रहा था पपी के साथ में पॉन्ड में, तालाब में, बाहर जो उसकी झोपड़ी के बाहर जो तालाब था उसमें। The puppy was very mischievous. जो बहुत ज़्यादा soft था उसका पपी, तो gently उस पर वो apply कर रहा था साबुन को। As he was about to wash up the soap, the puppy moved. और जैसे उसने सोप को साफ़ किया तो जो पपी है वो चला जाता है स्लीप इन टू द पॉन्ड और वो गिर जाता है कहाँ पर? तालाब में। अशोक गॉट स्कैट एंड एंटर द पॉन्ड। और अशोक डर जाता है और एंटर करता है वो पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड में, तालाब में। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम। और सही टाइम पर वो उसे कैच कर लेता है। ही रिंस द सोप, उसके साबुन को वो धोता है। एंड पपी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनिंग। और वो साफ हो जाता है और शाइन करने लग जाता है। बोथ वेंट बैक टू देयर होल हट। और दोनों चले जाते हैं अपनी हट में। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाई डिड द पपी स्लीप फ्रॉम अशोक हैंड। पपी वॉज स्लीप ड्यू टू सोप। क्योंकि सोप लगा हुआ था उसके अशोक के हाथ में तो इसलिए वो उसके हाथ से स्लीप हो जाता है, पॉन्ड में गिर जाता है। वॉट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। यहाँ पर क्या पॉल्यूशन को शो कर रहा है, कौन सी लाइन शो कर रही है? वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि देखिए वो तालाब के किनारे नहा रहे थे तो नहाने का जो पानी है वो तालाब में जा रहा था जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो रहा था। तो यहाँ पर कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन। तो तालाब के किनारे, झीलों के किनारे अगर कपड़े धोए जाते हैं, नहाए जाते हैं तो पॉल्यूटेड तो होते ही होते हैं वो लोग। तो यहाँ पर इस तरह से डन